नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉकडाउन 4 में पटना में क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद। बिहार में कोरोना महामारी के संक्रमण की रोकथाम को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि 8 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। लॉकडाउन को लेकर इस बार कुछ खास रियायत भी दी गई है। बिहार में लॉकडाउन 4 की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन को एक सप्ताह अर्थात 8 जून 2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, परंतु व्यापार के लिए अतिरिक्त छूट दी जा रही है। सभी लोग मास्क पहने और सामाजिक दूरी बनाए रखें। सीएम नीतीश कुमार के ट्वीट के बाद लॉकडाउन 4 में छूट के साथ नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें कई तरह की छूट दी गई है। इस लॉकडाउन में छूट को लेकर पटना के जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर ने बताया कि 2 जून से सभी प्रकार की दुकान खुलेंगी और यह ऑल्टरनेट डेक पर खुलेंगी। एक प्रकार की दुकान एक दिन खुलेगी और दूसरे प्रकार की दुकान दूसरे दिन खुलेगी। एक दिन बीच करके दुकानें खुलेंगी। सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक दुकानों को खोला जा सकेगा। गाड़ियों के परिचालन पर पाबंदियां पूरी तरह से जारी रहेगी। बिना पास निजी वाहनों का परिचालन नहीं होगा। ई पास लेना होगा। दुकान और ग्राहक को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। दुकानदारों को सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। गाइडलाइन पालन नहीं करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई होगी। स्कूल कॉलेज सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। प्राइवेट कार्यालय भी बंद रहेंगे। 25% कर्मचारियों के साथ सरकारी कार्यालय खुलेंगे शाम 4 बजे तक। जिम, पार्क, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थल फिलहाल बंद रहेंगे। धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर होने वाले कार्यक्रम पर पाबंदी पूर्व की तरह रहेगी। प्रतिदिन खुलने वाले दुकानों प्रतिष्ठानों की सूची कुछ इस प्रकार है, जिसके तहत किराना दुकान, डेयरी मिल्क बूथ, फल सब्जी मंडी, मीट एवं मछली की दुकानें, अनाज मंडी, जीडीएस की दुकानें, पूर्वक बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्रों से संबंधित प्रतिष्ठान, पशु चारा की दुकान, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, अन्य आवश्यक सेवाएं प्रतिदिन जारी रहेंगी। इसके साथ ही सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को खुलने वाली दुकानें कुछ इस प्रकार है, जिसके तहत इलेक्ट्रिकल गुड्स, पंखा, कूलर, एयर कंडीशनर विक्रय और मरम्मत दोनों, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस और बैटरी, सैलून पार्लर, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, गैरेज, सर्विसिंग सेंटर, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की दुकान, ऑटोमोबाइल टायर एवं ट्यूब, ल्यूब्रिकेंट, वाहन प्रदूषण जांच केंद्र, साइकिल, साइकिल मरम्मत की दुकान, फर्नीचर की दुकान, स्टेशनरी, सौंदर्य प्रसाधन की दुकानों को खोला जाएगा। इसके साथ ही मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को खुलने वाली दुकानों की सूची कुछ इस प्रकार है। कपड़ा की दुकान, बर्तन की दुकान, सोना चांदी की दुकान, स्पोर्ट्स खेलकूद सामग्री की दुकान, ड्राई क्लीनर्स की दुकान, जूता चप्पल की दुकान, निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान, सीमेंट, स्टील, बालू, स्टोन, गिट्टी, सीमेंट ब्लॉक, ईंट, प्लास्टिक पाइप, हार्डवेयर, सैनिटरी फिटिंग, लोहा, पेंट, शटरिंग सामग्री और अन्य सभी दुकानें जो किसी सूची में नहीं है, वो भी मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को खोले जाएंगे। इसके साथ ही जिन दुकानों को 6 बजे से 2 बजे तक खोला जाएगा, उसमें मेडिकल दवा की दुकान, सभी अस्पताल, बैंकिंग, बीमा, एटीएम संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कार्यालय, गतिविधियां, औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान, सभी प्रकार के निर्माण कार्य, ई कॉमर्स से जुड़ी सारी गतिविधियां एवं कुरियर सेवाएं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेली कम्युनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाओं से संबंधित गतिविधियां, पेट्रोल पंप, एलपीजी पेट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भंडारण प्रतिष्ठान, कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं, निजी सुरक्षा सेवाएं, ठेला पर फल एवं सब्जी की घूम घूम कर बिक्री, फल एवं सब्जी की दुकानों को आवश्यकता अनुसार संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा स्कैटर किया जाएगा, ताकि एक ही स्थान पर दुकानें ना रहें और भीड़ भाड़ ना हो। साथ ही दुकानों प्रतिष्ठानों का संचालन शर्तों के साथ किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार में कोविड-19 संक्रमण की रफ्तार में कमी देखने को मिल रही है, लेकिन सरकार ने एहतियाती तौर पर फिलहाल लॉकडाउन को पूरी तरीके से नहीं खोला है, बल्कि कुछ रियायतें देते हुए लॉकडाउन को दोबारा से जारी किया है, जिसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरीके से रफ्तार में कमी आई है वो आगे भी बरकरार रहे और बिहार जल्द ही कोरोना मुक्त हो सके। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।